पहले इंडिया का आदमी घूम के लाइए, ना इंडिया का आदमी है ना, ना ना पहले जाओ 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 घूम के लाओ। मेडिसिन मेडिसिन खा के आएंगे तब मैं डिबेट करूंगा, ये संभव नहीं है। आप मेडिसिन देने क्या होता है, आपके पास जवाब नहीं है, पार्टी से निकाल करके बचा नहीं पा रहे, योगी भी बेनकाब हुए सुप्रीम कोर्ट ने। कुछ दूर तो आप यहाँ डिबेट छोड़ के चली जाएंगी, मैं छोड़ कर नहीं जाऊंगी। ठीक है, मैं आपकी, मैं भी नहीं चाहता हूँ कि इस लेवल पर डिबेट जाए। अक्सर न्यूज डिबेट्स में हमें ज्यादातर बीजेपी की ओर से संबित पात्रा दिखाई देते हैं, जो अपनी बातों से विपक्ष के नेताओं पर हावी से हो जाते हैं। आज हम संबित पात्रा की उन डिबेट्स का जिक्र करेंगे जिसमें विपक्षी नेताओं की बातों ने संबित को परेशान किया। एबीपी न्यूज पर पाकिस्तान के मुद्दे पर डिबेट हुई, इस डिबेट में संबित पात्रा राहुल गांधी पर टिप्पणी कर रहे थे, तभी कांग्रेसी नेता ने उनकी पार्टी को लेकर तंज कसा, जिससे संबित गुस्से में दिखे और कांग्रेसी नेता को पाकिस्तानी बताने लगे। तभी कांग्रेसी नेता ने संबित को इसका करारा जवाब दिया। आप बिल्कुल चुप रहिए और शांत रहिए। आप जैसे लोगों ने इंडिया की सेना को बदनाम किया है। आपके जो शहजादे, ये आपके जो पाकिस्तानी शहजादा है ना, राहुल गांधी जाना चाहते ना आप उसको जी, नहीं नहीं आप उसको पाकिस्तान भेजो, राहुल गांधी को भेजो पाकिस्तान, उसको शहजादा ढूंढ के लाए हैं और फिर दम पे आप चुनाव लड़ रहे हैं। पाकिस्तानी सहजादे के दम पे चुनाव लड़ने चले हैं। अरे पहले इंडिया का आदमी घूम के लाइए, ना इंडिया का आदमी है ना, पहले जाओ 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 घूम के लाओ, पहले इंडिया का सहजादा ढूंढ के लाओ, पाकिस्तानी सहजादे को ढूंढ के लाके यहाँ हम लोग वाहियात बेहयात पता नहीं क्या क्या चीजें बताए जा रहे हैं। आप चुपचाप बैठिए और सुनिए मेरी बात, चिल्लाइए मत बीच में, बीच में चिल्लाना बंद करिए, पहले माफी मांगिए, पहले माफी मांगिए इंडियन आर्मी से। पाकिस्तान पहुंच गए, अरे बिहार की बेरोजगारी की बात करिए, बिहार की भुगतान की बात करिए, बिहार के कुपोषण की बात करिए, बंगाल के मुद्दे पर न्यूज 18 पर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर ने संबित सुवेसी के बीजेपी से मिले होने को लेकर सवाल किया, जिस पर संबित ने जब इसका जवाब दिया तब कांग्रेसी नेता ने संबित को बीच में टोका, जिसके बाद दोनों में बहस शुरू हो गई। हमारी ओवैसी के टीम है, के कोई टीम नहीं है, के टीम बहुत बड़ी। आप बताइए किसकी टीम है ओवैसी की पार्टी, 9 वर्षों तक ओवैसी जी, संबित पात्रा ने स्वीकार लिया ओवैसी जी ये टीम है भारतीय जनता पार्टी की। अब मानते हैं आप संबित पात्रा जी सारे पाप ओवैसी के धुल गए, जो कहते थे आप कि वो हिंदुओं का कत्लेआम उनका भाई करने के भाषण देता है, इनका संतुलन बिगड़ चुका है, जरा मेडिसिन खा के आएंगे तब मैं डिबेट करूंगा, ये संभव नहीं है। आप मेडिसिन देने वाले क्या होता है, क्या इनको मेडिसिन खिलाओ कोई जरा, अबे जी ये मेरा बोल नहीं है, आपने पूछा कुछ लेते क्यों नहीं, क्या हालत बना रखी है, कुछ लेते क्यों नहीं, आपने ले लिया वोट और हालत क्या हो गई कि चुनाव आयोग को फोन करना पड़ रहा है, 10 सीटें जिता दीजिए, 10 नंबरी सरकार है बिहार में, 10 नंबरी। चलिए मैं शांति, भगवान याद आने लगे अब आपको मुख्यमंत्री इतनी जल्दी बोलने दीजिए। लव जिहाद के मुद्दे पर न्यूज 18 पर डिबेट हुई। इस डिबेट में संबित पात्रा ने सोनिया गांधी को लेकर टिप्पणी की, जिसके कारण कांग्रेसी नेता अलका लांबा ने संबित पात्रा को बार बार टोकना शुरू किया, जिसके बाद संबित अलका लांबा की बातों से परेशान होते दिखे। विधायक को भी गिरफ्तार करना पड़ेगा तो विधायक भी गिरफ्तार होगा, बिल्कुल गिरफ्तार होगा, विधायक को भी छोड़ा नहीं जाएगा, ठीक है। और देखिए अभी मैंने खुद उनके भाई जो निकिता तोमर थी उनके भाई के इंटरव्यू को सुना, उन्होंने कहा ये रसूखदार लोग हैं, गांव में भी ये किसी प्रकार दबाव डालने की कोशिश करते हैं। मैं तो आज सोनिया गांधी जी से, वो खुद एक महिला है, वो महिलाओं के दर्द को समझे और अपने विधायक को पार्टी से निकाले। अरे कहां सोनिया गांधी, निकिता को बात करें, ऐसे विधायक को, मैं कह रहा हूँ कि ऐसे विधायक को पार्टी में रखने की आवश्यकता क्या, मगर ये आज कोशिश करेंगी, ये कोशिश करेंगे कि लव जिहाद के विषय में डिबेट ना हो। लेकिन मैं एक लाइन में कंप्लीट कर रहा हूँ, सोनिया जी को नेहरू जी, सोनिया उसके बाद राजीव जी भी है, करण करती है, इतना अभी अभी पीछे जाइए ना, साथ से शुरू करिए 1960 के दशक से आइए, आपके पास जवाब नहीं है, पार्टी से निकाल करके बचा नहीं पा रहे, योगी भी बेनकाब हुए सुप्रीम कोर्ट ने, बिहार के मुद्दे पर आज तक में डिबेट हुई। इस डिबेट में संबित पात्रा ने कांग्रेसी नेता की बात का जवाब देते देते कांग्रेस पार्टी को लेकर तंज कसा,
जिस पर कांग्रेसी नेता ने संबित को उनकी बात के बीच में ही टोका, जिससे वे परेशान होते दिखे। ट्रंप के सामने जाके हम दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। भैया, आप जो ये अबू बकर अल बगदादी, इमरान खान और एर्डोगन के सामने दंडवत प्रणाम करते हैं, जरा उसकी तस्वीरें देखा करिए। और दूसरी बात, आप बोल रहे हैं मोदी और स्मृति ईरानी जी की डिग्री देखेंगे, मैं अगर पूछती हूँ अभी सोनिया गांधी, सुनिए मैडम, मैं आपके बीच में नहीं बोला मैडम, मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला मैडम, बौखलाइए मत। आप डिग्री पूछ रहे थे अभी स्मृति ईरानी जी का और मोदी जी का, मैं अगर अभी सोनिया जी का प्रोफेशन पूछ दूं तो आप यहाँ डिबेट छोड़ के चली जाएंगी, बताइए प्रोफेशन क्या था। खैर, मैं नहीं पूछा, मैं जाऊंगी नहीं छोड़कर। हाँ रोहित जी, मैं छोड़कर नहीं जाऊंगी, ठीक है, मैं भी नहीं चाहता हूँ कि इस लेवल पर डिबेट जाए। आप दोनों पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं, इस बात को आप बेहतर जानते हैं। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, कहाँ तक मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, मैंने प्रोफेशन ही पूछा, इसमें घिनौनी बात कहाँ से हो गई। हमने प्रोफेशन ही पूछा, क्या इसमें खराब मानने की बात है? आपको दांतों से मार के नहीं, बताइए क्या बेइज्जती किया? अरे वो बंगाल के मुद्दे पर आज तक पर डिबेट हुई। इस डिबेट में कांग्रेसी नेता ने बीजेपी में बंगाल की भूमिका को लेकर सवाल खड़े किए, जिसके बाद संबित ने अपने जवाब में कांग्रेस पार्टी की आलोचना की, जिस पर कांग्रेसी नेता ने करारा जवाब भी दिया। अल्टरनेटिव कांग्रेस का लीडरशिप में होगा। आज मैं बताना चाहता हूँ आपको, ये भाजपा जो है देश को बर्बाद कर दिया। बताइए कहाँ कांग्रेस पार्टी का कौन लड़ रहा है, कितने सीट आपको मिले थे बंगाल में? कुछ नहीं है। जिस राहुल गांधी जी का जो कॉन्फिडेंस लेवल है, वो आप जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में था, जिस प्रकार बिहार में है, जिस प्रकार का बंगाल में है, वो 3 में है ना 13 में है, कुछ नहीं होने वाला। अब आप और संबित जी खुद चुनाव लड़े थे, पता हुआ उनका क्या हुआ, उड़ीसा में कैसा हालत उनका हुआ? तो कांग्रेस को छोड़ दीजिए, सरकार बनाने के लिए बोल रहे थे संबित जी। मैं बंगाल में चुनाव थोड़ी लड़ा था, तो मैं खुद चुनाव लड़ा था, ये विषय है ही नहीं डिबेट का। अरे हिंदुस्तान का आप क्यों नहीं लड़े शुभंकर जी? आप क्यों नहीं लड़े शुभंकर जी? आप क्यों नहीं लड़े चुनाव वादा? सारा देश देख लिया है नरेंद्र मोदी का झूठा वादा। बात ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में हो रही है शुभंकर जी। हार तो राहुल गांधी भी गए थे और अपनी उस सीट से हार गए थे जो पारिवारिक सीट मानी जाती है। हम उम्मीद करेंगे कि विपक्ष आगे भी इसी तरह से बीजेपी नेताओं से सवाल करता रहेगा और जनता के मुद्दों पर उनकी राय लेता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।